एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष ना निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर ये सोचकर कि इसके जन्मदाता तो वो खुद ही हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक और बुद्धि से दबा लिया। महर्षि भृगु वहां से कैलाश गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत समझा बुझाकर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके पेट पर एक जोर से लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है, आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास वापस लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े आश्चर्यचकित हुए और उनका संदेह भी दूर हो गया। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्य के संदेह को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी।